सबसे पहले मैं सारा भूम अम्बेडकर संगठन की आभारी हूँ जिन्होंने ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। इस संगठन के चेयरमैन एसपी सिंह जी जो ताउम्र अपने सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, जिनका समाज को बहुत बड़ा योगदान है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यह सामाजिक जो आंदोलन है हमारा उन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। श्री मोहित जी उप चेयरमैन, अनिल कुमार निमेश जी सार्वभौम अम्बेडकर संगठन के अध्यक्ष, इनकी इंटायर टीम जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक ऐसा संदेश समाज को देने की इंटायर टीम ने कोशिश की है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा न सिर्फ गर्व करने का विषय है बल्कि हमारे तन मन में भी सदियों तक रहने के एक विचार इन्होंने इस मंच के माध्यम से दिए हैं। मैं सबसे पहले पूरी इंटायर टीम को, सार्वभौम अम्बेडकर संगठन की टीम को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया जो वेल प्लान तरीके से एक सुबह से और अब तक आपके सामने है। मैं सुबह के प्रोग्राम के को उस तरीके से नहीं देख पाई लेकिन जो इनका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल है उसको देखकर लगता है कि एसपी सिंह के नेतृत्व में पूरी युवा टीम जो लगी हुई है वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो मानते हैं कि हमारे समाज में एक कर्मबद्धता तरीके से एक ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना जो आज तक हमें एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है वो आज आपके सामने सिद्ध करने की पूरी टीम ने कोशिश की है और मैं समझती हूँ कि इससे अच्छी बेहतरी कोई भी संगठन शायद ना दे पाए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैं पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अपने बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हम सब इकट्ठे बैठकर यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को यहाँ मंच पर उतार रहे हैं, अपने नाटक के माध्यम से भी देखा। एक छोटी सी बात बीच में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बीच में एक नाटक में समय रहेगा ना बोलने का, हाँ, क्योंकि पेशे से अध्यापक हूँ तो बिना बोले रहूँगी नहीं, अपनी बात जरूर आपके बीच में रखना चाहूँगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने नाट्य रूपांतरण देखा, उस नाट्य रूपांतरण के बीच में एक लाइन थी जिसमें कहा गया था कि संविधान किसने बनाया, किसी ने, एक पात्र ने कहा लाल बहादुर शास्त्री ने, दूसरे ने कहा महात्मा गांधी ने, तीसरे ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे समाज की युवा पीढ़ी के ऊपर भी कि हमें बाबा साहब के संविधान को और न सिर्फ दलितों बल्कि संपूर्ण नारी जाति के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो संविधान में कानून बनाकर जो अधिकार दिए वो हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए हमें अपने संतान को, अपनी युवा पीढ़ी को, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो एक तरह से स्कूल कॉलेजेस में दी गई है उस स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता, बहुत सारी किताबों में ऐसा है। ये मैं इसलिए भी आपके सामने रखना चाहती हूँ अभी थोड़ी देर दिनों पहले एनसीईआरटी की किताब में जो सोशल साइंस की किताब है अभी भी आप पढ़ सकते हैं 12वीं क्लास की किताब में, उसमें जो सोशल साइंस का विषय दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि संविधान जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। इसके ऊपर जो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं जो उसको पढ़ेंगी वो बाबा साहब का नाम ही भूल जाएंगे। एक बहुत बड़ी ऐसी साजिश रची जा रही है जो ये नज़रअंदाज करने पर तुली हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, किताबों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। इसलिए हमारे समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि हम बाबा साहब के योगदान को न सिर्फ समझें बल्कि उनके किए गए कार्यों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दें। यही हमारी जो बाबा साहब की जयंती है, जो आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है, उसका मकसद होगा। यहाँ सिर्फ हमारी जो युवा पीढ़ी है किलकारी मारने के लिए शायद इस संगठन ने इकट्ठी नहीं की है, सिर्फ मजे लेने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, सिर्फ हमारे घरों में जो जन्मदिन मनाया जाता है उन जन्मदिन के माध्यम से भी हम यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। आप सब अपना काम अगर छोड़ के आए हैं तो एक उद्देश्य के लिए हम सब
यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और खासकर ये जो मेरी युवा पीढ़ी जो किलकारी मारने के अलावा और कोई काम नहीं करती, ये समझना ही नहीं चाहती, इनको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, वो चाहे डैम का हो या फिर गाने का हो। हमें उस संदेश को नहीं भूलना चाहिए जो एक डांस के माध्यम भी आपके सामने नाट्य रूपांतरण किया गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एंटायर टीम को एक बार फिर बधाई देती हूँ, और ये अंतिम शब्दों में ये कहना चाहती हूँ एक माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से, जो अपने लिए जीते हैं वो विक्ट्री को पाते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो विक्ट्री को पाते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं वो इतिहास रचाते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा